شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत एक्साइटमेंट में आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे ईद की। तो हम लोग भी यहाँ पर गए थे बकरे जहाँ पर मिलते हैं रियाद में, एक जगह है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बकरे थे और शीप्स थे कुर्बानी के लिए। तो बस हमने वहाँ पर बच्चों को विज़िट करवाया और यहाँ पर आप देख रहे हैं मुझे एक हरीने एक हैं यहाँ पर सेलर है मेहंदी की, और उन्होंने मुझे ये भेजी थी मेहंदी, और इसके साथ ही इनके स्टेंसिल्स भी थे और इसके साथ इन्होंने एक बुकलेट दिया हुआ था और काफ़ी अच्छी पैकिंग थी इनकी। साथ में इन्होंने सीलर भी दिया था और एक फिक्सर था साथ में छोटा सा, वो दिया था। सारे उसके साथ ही पैक में इन्होंने हमें दिए थे साथ में। और हरीजा ज़ाहिर इनका नाम है, और अगर आप लोगों ने इनसे मेहंदी लेनी हो तो इनका फेसबुक कॉन्टेक्ट होगा। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई मेहंदी है, तो इसका कलर जो है वो काफ़ी लेट आता है और मेरे हाथ पर नहीं आया था। उनका कहना ये था कि कुछ लोगों को सही स्टेन आता है इसका और कुछ का नहीं आता, तो मुझे तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इसके साथ। और यहाँ पर हम लोग गए थे इशबिलिया में, पिज़्ज़ा की एक शॉप थी जब हम वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ से हम लेते थे, तो हमने वहाँ से पिज़्ज़ा परचेज़ किया। और आप लोग सुनाएं कि आप लोगों की ईद की तैयारियाँ कहाँ तक हैं और आप लोगों ने क्या सोचा कि आप लोगों ने क्या कुकिंग करनी है ईद पर। हम लोगों का तो इस दफ़ा प्लान है कि हमने रियाद में ही कुर्बानी करनी है और बकरा हम लेकर आएंगे, और फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी इयर्स हमारा ये पॉसिबल होगा कि हम यहाँ पर कुर्बानी करेंगे। अदरवाइज़ हम पाकिस्तान में ही हमेशा करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ पर करेंगे और देखें कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आई एम अ बिट स्केयर्ड क्योंकि मुझे सारा गोश्त वगैरह जो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको बांटना पड़ता है और उसको जैसे भी करना होता है, तो वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड हूँ और एंशियस हूँ थोड़ी सी इस बारे में। तो आप लोग मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा, अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी हमारी अभी इमरान की, आपको लास्ट वीडियो से पता चला होगा कि काफ़ी मसरूफियत चल रही थी, तो अब हमारी आउटिंग्स शुरू हुई थी। और ये वाइडा आर्ट कैफ़े है, ये रियाद में नखील मॉल के पास है, और इन्होंने मुझे इंस्टा के थ्रू कांटेक्ट करके तो मुझे इनविटेशन भेजी थी, और हम लोग यहाँ पर गए थे इवनिंग के टाइम में ही गए थे क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हम लोग यहाँ पर गए थे और काफ़ी मज़ा आया हमें, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पर। इनके डिज़र्ट्स थे और आइसक्रीम्स थी इनकी, और जूसेस थे और कॉफ़ी थी, और बस कॉफ़ी मेनली कॉफ़ी शॉप ही थी ये। लेकिन हमें गर्मी की वजह से थोड़ा सा लग रहा था कि मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था इन्होंने, और इनके फैंस और वो ह्यूमिडिफायर्स की वजह से काफ़ी अच्छी यहाँ पर हवा ठंडी चल रही थी और हमें बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हुई थी, और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और मेरा ख्याल है सर्दियों में यहाँ पर जाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। और आइसक्रीम जब हमने खाई तो हमारी बिल्कुल भी वो वाली गर्मी वाली फीलिंग ही ख़त्म हो गई थी, वरना रियाद में आजकल इतना बुरा सा मौसम है, इतनी ह्यूमिडिटी है यहाँ पर और अजीब सा मौसम हो रहा है, लेकिन हम लोगों को काफ़ी मज़े का लगा और बड़ा मज़ा आया हमें। और स्पेशली अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि बच्चों ने बिल्कुल तंग नहीं किया और नायल ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, और अब ये बड़ा हो रहा है तो इसको भी एक्सप्लोर करने का शौक है जगहों को। तो इस वजह से यहाँ पर ये चेरी ब्लॉसम ट्री इन्होंने बनाया हुआ था और एक फ़ोन बूथ बनाया हुआ था,
और ये दोनों एक इस कैफ़े की आप कह लें हाईलाइट थी, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही मज़े का लग रहा था ये। और सर्विस वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी इनकी, और सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा था। बल्कि हम सोच रहे थे कि हमें ऐसे टाइम में आना चाहिए था कि शाम से रात हो जाती तो रात को और ज़्यादा मज़ा आता जब लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती। एनीवेज़ हम दोबारा विज़िट करेंगे रात के टाइम, और आई होप जब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा तो फिर हम विज़िट करेंगे दोबारा से। और यहाँ पर फिर हमने पिक्चर्स वगैरह लीं, और मैं अपना पोलराइड कैमरा भी ले गई थी, और मैं अपना DSLR भी लेके गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी ब्लॉगिंग सारा कुछ काम है उसमें तो ज़्यादा कैमराज आपको अपने पास रखने पड़ते हैं। और बस फिर मैं अपने साथ ही सारा कुछ लेकर जाती हूँ, और मेरा बैग तो इतना हैवी हो जाता है। तो बड़ा प्यारा ये खूबसूरत सा कैफ़े था, और यहाँ पर इन्होंने अभी ज़िलहज है, तो ज़िलहज में आप लोगों को पता है कि तकबीरात वगैरह और तलबिया जो होता है वो लगा के और सुनना चाहिए, तो इन्होंने भी वही लगाया हुआ था, और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ था। और यहाँ पर मिस्टर नायल पहुँचे हुए बाबा के पास। आई नो मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, एंड आई नो इट्स नॉट सेफ़, लेकिन अब क्या करें, वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं ये कार सीट वगैरह में नहीं बैठता, इसको आदत नहीं है। लेकिन इसकी ये अच्छी चीज़ है कि जब ये बाबा की गोद में जाता है तो फिर ये ज़्यादा मूव नहीं करता, बस स्टिल होके बैठा रहता है, तो वो फिर एक सेफ्टी वाली चीज़ होती है। अदरवाइज़ वो अगर मेरे पास आता है या पीछे जाता है तो बस कुछ ना कुछ करता रहता है, तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए बाबा के पास जाने में मुझे लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके बाद फिर हम लोगों ने विज़िट किया था डिनर के लिए वैग्यू बर्गर, और इनके बर्गर्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी हमने, तो हम सर्च करते हुए पहुंच गए। अच्छा, रियाद में रहने वाले जो लोग हैं वो अगर जाना चाहते हैं तो वो अगर गूगल मैप्स को फॉलो करेंगे तो वो उनको सही लोकेशन पर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक बिल्कुल टेक अवे के लिए आउटलेट बनाया हुआ है छोटा सा, लेकिन उसके बिल्कुल पास ही आप सीधा जाएंगे तो ये एक मॉल सा आपको नज़र आएगा यहाँ पर, जो इसकी रियल जो है ब्रांच वो इधर है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, यहाँ कोई हैवी बाइक्स का कोई इवेंट हो रहा था, वहाँ पर सारे बाइकर्स आए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी। और वैग्यू बर्गर में जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि अंदर तो बैठने का बिल्कुल भी उनके पास वो नहीं थी, स्पेस नहीं थी, और हमारे से पहले भी 8 लोगों ने नाम लिखवाए हुए थे अपने, और वो कह रहे थे कि 50 मिनट्स के अराउंड लग जाएंगे हमें अंदर जगह मिलने में। तो फिर उनके बाहर जगह अवेलेबल थी, तो फिर हम लोगों ने कहा कि अच्छा हमारा आप ऑर्डर तो ले, हम बाहर ही बैठते हैं, तो अगर तो अंदर खाली हो गया इतनी देर में तो हम अंदर बैठ के खा लेंगे, अदरवाइज़ हम बाहर ही खा लेंगे। तो बस फिर हमने बाहर बैठ के ही ऑर्डर कर दिया, और हम लोगों का ऑर्डर विद इन 10 मिनट्स आ गया था, और इनके बर्गर तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो जब हमारा ऑर्डर आया तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो क्वांटिटी बहुत कम लग रही है, क्योंकि उनके बर्गर्स का जो सर्विंग साइज़ थी वो काफ़ी कम थी। तो बच्चों के लिए हमने फ़्राइज़ वगैरह मंगवा लिए थे, लेकिन हम लोगों को लगा कि ये बहुत ज़्यादा इतना फिलिंग नहीं है ये, तो हम लोगों ने लेकिन जब उसको खाया तो वो काफ़ी ज़्यादा फिलिंग था, उसकी क्वांटिटी देखने में कम लग रही थी लेकिन शायद हैवी था, और बहुत ज़्यादा फुल फिलिंग सा था, और हम लोगों का पेट इतना भर गया कि हमने उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। हालांकि वो थोड़ा सा बर्गर ही था, लेकिन आई थिंक उनकी टॉपिंग्स और वो सर्विंग जो भी उन्होंने की थी, सॉस वगैरह, वो काफ़ी हैवी थी, इस वजह से हम लोगों का जो है वो पेट भर गया। और बर्गर्स काफ़ी अच्छे थे, और वर्थ थी इनकी ट्राई करने की, बहुत मज़े के थे। एक तो हमने क्रिस्पी चिकन बर्गर लिया था, और एक इनका वाइट सॉस में बर्गर आता है बीफ बर्गर, उसके लिए वो प्लेटर के अंदर ही वाइट सॉस होती है ये जो आपको नज़र आ रहा है, और ये बहुत मज़े का था। इनके बर्गर्स की टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो खैर ये हो गया हमारा डिनर और हमारा वीकेंड, और ये वीकेंड हमारा काफ़ी अरसे के बाद आया कि हमने इस तरह की आउटिंग की है, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था कि हम कोई फैमिली टाइम इंजॉय करें और हम डाइन आउट करें, कुछ भी नहीं हमने ऐसे किया काफ़ी अरसे से। तो बस मूड रिफ़्रेश करने के लिए हम लोग निकल गए थे, और बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस, और बस घूमते फिरते रहे हम, और बड़ा मज़ा आया।
खैर, और आप लोग मुझे बिल्कुल एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि आप लोगों ने जो है ईद पर क्या क्या मेन्यू सोचा है, और अगर आप में से किसी को कलेजी बनाने की रेसिपी आती है जो सुबह में बनती है जब बकरा ज़िबा होता है तो फ्रेश, तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने बनानी होगी। और भी कोई आपको कोई स्पेशल डिश वग़ैरह अगर पता हो मीट की तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हम थोड़े से क्रिएटिव हो रहे थे कि फ़्लैश ऑन करके तो हम ड्रिंक की पिक्चर ले रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे हम, और इमरान भी मुझे आइडियाज़ दे रहे थे, और नायल जो है उसको सॉस बहुत पसंद आ रही थी तो वो खा रहा था। तो आप जब भी मेरे बच्चों की वीडियो देखें तो प्लीज़ आप इनके लिए दुआ कर दीजिएगा और अल्लाह ताला इनको नज़रे बद से बचा के रखें। और अब मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को करती हूँ एंड, और आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस में हज मुबारक और ईद मुबारक, और इंशाल्लाह ईद की वीडियो के साथ मैं वापस आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।